स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते हैं महंगाई के मुद्दा पे, आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है। और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे, तो हम कह रहे हैं आपको उस पर। मंत्री अमित शाह तो मणिपुर पहुँचे थे ये कहा गया है। देखिए मणिपुर पहुंचने से कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी वहाँ पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी को वहाँ ठीक से कैंपेन नहीं करने दिया गया। मीडिया के द्वारा प्रशासन के द्वारा रोका हुआ जहाँ जा रहा था, इंटरनेट वहाँ बंद था। अभी भी जो है दो दिन पहले की बात है, जो आज जो देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से जो बना उसमें लगभग दर्जनों सांसद गए और वो रिपोर्ट जो है वो फिर राष्ट्रपति महामहिम को सौंपेंगे। जो वहाँ का क्या हालात है जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं आज नौजवान जो है बंदूक उठा के घूम रहे हैं, आज वहाँ का बदतर स्थिति हो चुका है। तो हम कह रहे हैं देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आज एक राज उनसे नहीं संभाल रहा है और देश समाप्त। मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र मणिपुर पर है ही नहीं, क्योंकि मणिपुर को कुछ समझते ही नहीं है। जब बयान दिया तो ये कह दिया कि इस तरीके की तस्वीर बाद में नहीं आएगी। वो वीडियो जो सामने आया था उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था, उस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रही है। ऐसे ही तमाम युवा जो है जंतर मंतर में मौजूद हैं, जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री शोषण का पोषण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम रोशन यादव हुआ और बिहार के समस्तीपुर जिला से आया। क्या लगता है आपको रोशन की जो एक तरीके का वीडियो सामने आया उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री शांत नजर आ रहे हैं, क्या है ये तस्वीर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब देश में जब नरेंद्र मोदी जी आए और वो हम बोल रहे थे कि जो हम एक चाय बेच रहे थे, अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र में ये था कि जो एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज देख लीजिए मोदी जी का जो है दूसरा टर्म खत्म होने वाला है और बेरोजगारी महंगाई तो है ही, उस पर भी आएंगे, लेकिन आज मणिपुर पर जो बात कर रहे हैं उस पर आ रहे हैं। आज देख लीजिए लगभग तीन महीना से मणिपुर जल रहा है और एक बार भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है या देश के जो गृह मंत्री है एक बार भी आवाज़ नहीं उठा रहे। और हमारे देश के जो है मुख्य न्यायाधीश जब वो कह रहे हैं एक सप्ताह के अंदर में आप मणिपुर पर आप नहीं अगर कोई बात उठा मुद्दा पर आइएगा तो हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। आप लोग ने देखे किस तरह से तीन महीना से जल रहा था और वहाँ इंटरनेट बंद था, लेकिन आपने देखा दो सप्ताह पहले एक वीडियो जारी हुआ जो किस तरह से दो दो महिला को, एक तो उसमें एक महिला ऐसे है जो हमारे देश के जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें उनके पति कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़े थे और उनकी पत्नी थी और वो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, परेड कराया गया और फिर सामूहिक बलात्कार किया गया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक बार भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देश के जो है स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते हैं महंगाई के मुद्दा पे, आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है। और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे, तो हम कह रहे हैं आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के देख रहे हैं आज हम लोग का भाकपा माले के जो है युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा अरबाइए आज लगभग तीन महीना से जो है गांव यात्रा अभियान चलाते हुए हल्ला बोल। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर पहुंचे थे ये कहा गया है। देखिए मणिपुर पहुंचने से कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी वहाँ पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी को वहाँ ठीक से कैंपेन नहीं करने दिया गया। मीडिया के द्वारा प्रशासन के द्वारा रोका हुआ जहाँ जा रहा था, इंटरनेट वहाँ बंद था। अभी भी जो है दो दिन पहले की बात है, जो आज जो देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से जो बना उसमें लगभग दर्जनों सांसद गए और वो रिपोर्ट जो है वो फिर राष्ट्रपति महामहिम को सौंपेंगे। जो वहाँ का क्या हालात है जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं आज नौजवान जो है बंदूक उठा के घूम रहे हैं, आज वहाँ का बदतर स्थिति हो चुका है। तो हम कह रहे हैं देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आज एक राज उनसे नहीं संभाल रहा है और देश संभालने की तो बात की बात। डबल इंजन की वहाँ पर देखिए बात सही है कि वहाँ डबल इंजन की वहाँ भाजपा की ही मुख्यमंत्री है,
और देश में भी आपकी सरकार है, नैतिकता के आधार पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं इस तरह का घटना हो रहा है, वो मीडिया की जो काम है वो कह रहे हैं, उनको तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं चुप बैठे, वो भी बैठे हुए हैं। जो अभी आपने विपक्ष का अलायंस की बात की, इनको राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा जाएगा संज्ञान, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ इस पर जो है प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस हो या हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, वो देश के भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से आए हैं या आपसे कह रहे हैं एक आदिवासी समुदाय से है, तो देश में छात्र नौजवान पर सिर्फ हमला नहीं हुआ, आदिवासी पर भी लंबे समय से हमला हो रहा और उस परिवार उस समुदाय से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो जरूर है इस पर संज्ञान लेंगे। और इसी के लेके हमारे देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से बना है, जो देश के जो मोदी सरकार उसको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ताबंधन जीत पाएगा एकदम जीतेंगे, क्योंकि क्योंकि आप देख रहे हैं हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, वो मतलब जो है जुमला की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा पे आ रहे हैं। जब मोदी जी जो बोल रहे थे जो हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ हर एक वर्ष युवा को रोजगार देंगे, और हमारे देश के जो है काले धन इतने जो है विदेश में है, हम पैसा जो लाएंगे यहाँ प्रत्येक प्रति व्यक्ति को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, तब पर भी कम मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जब बाद में मीडिया वाले पूछे अमित शाह से तो बोले हम जुमला है 15 लाख को, प्रधानमंत्री को तो आप ही लोग जिताते हैं ना बार बार, देखिए देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, हम क्या इससे पहले भी ना शुरुआत में कहे ना कि जो हमारे देश की सौभाग्य थी ऐसी कि अच्छी बात है देश की एक चाय बेचने वाला, हालांकि आज तक कोई देखा नहीं किस स्टेशन पर वो चाय बेचे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाय बेचे, तो अच्छी बात है देश के चाय बेचने वाला हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन नतीजा क्या हुआ जो उनके शासनकाल में छात्र पर हमला हो रहा है, आज नौजवान देश के तमाम राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित है, अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो क्यों यहाँ रोजगार के लिए नौजवान